हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जो पिछले 2 से 3 साल या उससे भी अधिक समय से गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे। तो साथियों, आज की ये 5 से 10 मिनट की वीडियो हो सकता है पूरी आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। तो इसमें बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्टूडेंट हो, तो सभी का नुकसान हो रहा है। सभी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों के बारे में जो गवर्नमेंट की तैयारी में लगे हुए थे या गवर्नमेंट की तरफ आने वाले थे। उन विद्यार्थियों के लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो साथ ही हमारे सामने चिंता का विषय तो है, क्योंकि हमने बहुत सारे गोल सेट किए थे, हमने बहुत सारे सपने देखे थे कि हम इस एग्ज़ाम को देंगे, उसको पास करेंगे, और उसको पास करने के बाद जो हमारी सफलता है उसको हम हासिल करेंगे। लेकिन किसी कारणवश या लॉकडाउन के चलते हम उसको एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं, या हमने एग्ज़ाम दिया है तो उसको रिज़ल्ट अटका हुआ है, या कोई और रीज़न है उसकी वजह से हम जो हमारे गोल है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। तो साथियों, चुनौती तो हमारे सामने है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपनी समस्याओं को अवसर में बदलता है, यानी कि जो अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलता है वही एक मजबूत व्यक्ति होता है। तो साथियों, आज अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो गए हैं, तो साथियों ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम थे वो होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन डिपेंड करता है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं जो कुछ एग्ज़ाम थे वो आगे पोस्टपोन हो गए हैं, और कुछ नई वैकेंसीज हमारे लिए आने वाली हैं जो गवर्नमेंट ने उनका रास्ता साफ कर दिया है, उनके जो है संकेत दे दिए हैं। जैसा कि मैं अगर बात करूं तो लेखपाल का एग्ज़ाम हमारा होना है, जिसमें 5200 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं लेखपाल के लिए। तो साथियों, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप छोटी सी जो बच्चे रह जाते हैं, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, उनका रीज़न क्या है? उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम जब हमारे एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं उसके लिए हम तब तैयारी में जुटते हैं, तब हम तैयारी करना शुरू करते हैं। सपोज डैट आज किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकला, हमने उसको फिल किया, उसके लिए तैयारी के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? मैक्सिमम 2 से 3 महीने का टाइम हमें मिलेगा। अब 2 से 3 महीने में हम कितनी तैयारी उसकी कर पाएंगे? तो हम इतनी ही तैयारी कर पाते हैं कि जितना पासिंग जो परसेंटेज होता है हमारा, यानी कि जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, हम उसके 80% या 90% मार्क्स पर जाकर रुक जाते हैं, यानी कि हम 10% 20% से रह जाते हैं जो पासिंग मार्क्स होते हैं हमारे। तो साथियों, वो बच्चे वही क्लियर कर पाते हैं जिन्हें पता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। हमें उसके लिए उन 2 महीनों का वेट नहीं करना, हमें पता है वो एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना है, तो हम उसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाएं। तो साथियों, गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आने वाले हैं और उसके निर्देश संकेत दे दिए हैं सरकार ने। तो साथियों, अब हमें करना क्या है? हमें यही करना है जो आपका ये टाइम है, अब इस टाइम को आप 2 नज़रिए से देख सकते हैं। एक सबसे पहला जो टाइम है हम जो वेस्ट कर रहे हैं, हम इस टाइम को जो वेस्ट कर रहे हैं, सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइम है, आप इसको वेस्ट कर रहे हैं पकौड़े बनाने में, घर की साफ़ सफाई करने में, या सोने में, या किसी दूसरी चीज़ में, लूडो खेलने में या पबजी खेलने में। तो साथियों, उसके बाद में जब हमारा एग्ज़ाम कोई भी निकलता है, किसी के लिए फॉर्म निकलते हैं, तब हम तैयारी में जुटते हैं, और तब हम ऐसी तैयारी में जुटते हैं दिन रात तैयारी करते हैं, और दिन रात तैयारी करने के बाद में जब हमारा नंबर नहीं आता है तब हम कोसते हैं, गवर्नमेंट को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि यार हमारा नंबर नहीं आ पाया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तैयारी करनी होगी, आज से आप तैयारी में जुट जाइए। मैं कहता हूँ आपको 100% सफलता मिलेगी। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि इस समय ना तो आपके पास किसी भी चीज़ का प्रेशर है, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के साथ साथ आप वर्किंग भी हैं, तो उसका भी आपके पास प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप अब जो जॉब पे नहीं है। चुनौती तो है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चुनौती है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है जो उस टाइम पे होता है। और आपके पास मेन चीज़ है टाइम है, आप अभी प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपको कहता हूँ 100% सफलता मिलेगी, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लीजिए। एक टाइम शेड्यूल बना
बना लीजिए कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है। तो साथियों यूपी के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो लेखपाल है उसकी जो भर्ती होने वाली है उसको रास्ते को क्लियर कर दिया है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके तुरंत बाद उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। फॉर्म निकलने के मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने की डेट होगी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसके लिए मैंने स्पेशल बैच शुरू किया है। आप यहाँ पर AKC क्लासेस पर जाइए और आपको वहाँ पर पर डे शेड्यूल में आपको जो उसका सिलेबस है उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी। तो उसके लिए आप AKC क्लासेस सर्च कीजिए YouTube पर जाकर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी वीडियो मिल सके और शेड्यूल के हिसाब से आप देख सकें तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको वहाँ पर मिलेगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट की तैयारी में लगे हुए हैं, वो निराश ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और मजबूती के साथ खड़े हों तो आप निश्चित ही सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो साथियों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, जिससे कि वो बच्चे भी इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।